नमस्कार। हम लूट गए मैडम, हम बर्बाद हो गए। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। कोई भी धर्म इंसान को इंसान से लड़ना नहीं सिखाता, प्यार करना सिखाता है। और इस बस्ती का नाम तो आदर्श नगर है, यहाँ फसाद कैसे हुआ? भगवान जाने ये कैसे हो गया मैडम, ये कैसे हो गया? इन फसादियों को आग लग जाए, मेरा तो जवान बेटा मारा गया, जवान बेटा मारा गया। हमारी बस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं था मैडम, हम सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। पिछले महीने जब अब्दुल भैया अस्पताल में एडमिट थे और उनकी हालत बहुत खराब थी, तो राम अवतार भैया ने अपना खून देकर उनकी जान बचाई थी। हुजूर, परसों की बात है, कुछ लोग भागते हुए हमारी बस्ती में आए और कहने लगे कि जोगेश्वरी में हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया है। बस इतनी सी बात पर दंगा भड़क गया। बड़े आश्चर्य की बात है, बाहर से आकर किसी ने कुछ कहा और आप लोग आपस में लड़ने लग गए। असल में उन लोगों का मकसद ही आपको आपस में लड़वाना था। वो लोग न हिंदू थे न मुसलमान, वो लोग तो गुंडे थे, गुंडे जो धर्म और मजहब की दीवार खड़ी करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो जान माल की जहरीली हवा फैलाकर इस खुशनुमा चमन में गंदगी फैलाना चाहते हैं, जो दंगे और कत्ले आम करके आप लोगों के बीच नफरत का बीज बोना चाहते हैं। पर मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि जब तक मेरे दम में दम है, मैं इस देश और इस प्रदेश को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगी, मगर वतन के इन गद्दारों को नहीं बख्शूंगी। मैडम को जल्दी ले जाओ यहां से। ओके सर। सादे बोल, सीएम साहिबा पर हमला किसने करवाया? बोल। मेरा नाम सलीम हिंदुस्तानी है। अपने नाम के पीछे मैंने हिंदुस्तानी इसलिए लिखवाया है जिसे तेरे जैसे देश के गद्दार ये जान ले कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। जो हिंदुस्तान का दुश्मन, वही हिंदुस्तानी का दुश्मन। जवाब दे। किसने करवाया सीएम पर हमला? किसने करवाया? बोल। बोल हरामजादे। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर सलीम? ए, नीचे उतारो इसे। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता, इस तरह मारा जाता किसी को। देश के गद्दारों को इस तरह नहीं तो क्या पुचकार के मारा जाएगा सर? इंस्पेक्टर सलीम, कानून के दायरे में रहकर काम करो, कानून की हद के बाहर नहीं। कानून की हद का मुझे पूरा एहसास है सर, लेकिन ऐसे अपराधी सिर्फ यही भाषा समझते हैं। ऐसे अपराधियों की जुबान खुलवाने के लिए हम पुलिस ऑफिसरों के सामने कोई बैरियर नहीं होनी चाहिए सर, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारे हाथ खुले रहने दीजिए सर। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर सलीम कि तुम कानून के सच्चे सिपाही हो, लेकिन यह मत भूलो कि कानून की हिफाजत करने वाले हाथ
कानून की जंजीरों में भी जकड़े होते हैं। और इस बात को भी याद रखो कि तुम्हारे पास एक ही ऐसा आदमी है जो तुम्हें सब कुछ बता सकता है, और अगर यह भी मर गया तो सारा ब्लेम पुलिस पर आएगा। हो सकता है कि तुम्हारी नौकरी भी चली जाए। आप नौकरी की बात कर रहे हैं सर? फर्ज के रास्ते में अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस शख्स ने सीएम साहिबा पर जानलेवा हमला किया है। ऐसे मुजरिम को ना अदालत में ले जाना चाहिए, ना ही इस पर कोई मुकदमा चलना चाहिए। इन्हें पब्लिक में खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इसीलिए वी आर हेल्पलेस सर। शैतान। नानाजी नानाजी चलिए उठिए। अरे कहाँ चलूं? मेरे साथ वीडियो गेम खेलने के लिए। अरे बेटा इस बुढ़ापे में मैं कहाँ वीडियो गेम खेलूंगा? तो कौन खेलेगा मेरे साथ? सुबह सुबह मैं बोर होती हूँ। मामी आप मेरे साथ खेलेंगी? मैं देख तेरे मामा आ गए, उनके साथ खेलो। जी तुम भी आ गई। अच्छा आ गए, खबरदार मामा से कोई बात नहीं करेगा। अच्छा तो बात नहीं करेंगी? क्या वादा किया था आपने? जब मेरी छुट्टी होगी तो आप मेरे साथ खेलोगे। सॉरी अब तो आ गया, अब तो मुस्कुरा दो। नहीं समझ गया, बगैर रिश्वत के तो आप मुस्कुराएंगी नहीं, रिश्वत का इंतजाम भी कर क्या। ये रही आपकी चॉकलेट, अब जरा मुस्कुराइए। ओए होए ये कोई मुस्कुराहट, जरा खुलकर मुस्कुराइए जी। एक के लिए तो ये मिलेगी, दो चॉकलेट दोगे तो कोई क्या सुनगी? देख रहे हैं चाचा जी, मुस्कुराहट के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, इसने दो देख ली ना मेरे पास, ये लो बाबा। ये हमारे घर में क्या रिश्वत की बातें हो रही है? कुछ नहीं मम्मी। जरूर तुझे कोई नई शरारत सूझी है, क्यों हमेशा अपने मामा को तंग करती रहती है? मामा होते ही तंग करने के लिए, क्यों मम्मी है ना? दीदी मैंने हालात को देखते हुए आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त और टाइट कर दिया है, मैंने कमांडोज की तादाद बढ़ा दी है। मेरी सुरक्षा का प्रबंध तुमसे अच्छा और कौन कर सकता है अजी? तुम जैसा चाहो ऐसा करो। मैडम भोला पांडे आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें हाँ। अंदर भेज दूं? आती हूँ, तुम बैठो मैं आती हूँ। नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना बैठिए। आप बैठिए। कहिए पांडे जी, कैसे आने का कष्ट किया? माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे इस संसार में अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों से आंसू नहीं बहे। लेकिन आज जब मैंने सुना कि किसी पागल इंसान ने आप पर हमला किया तो ऐसा झटका लगा कि मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पा रहे हैं। आप मुझे इतनी छूट दीजिए कि इन दोनों हाथों से उस क्रूर पिशाच का गला घोट दूं जिसने आप जैसी देवी पर हमला करके मेरी श्रद्धा को ठेस पहुंचाई है। पांडे जी आप इस स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपका इस तरह आवेश में आना अच्छा नहीं। इंसान की जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, आप मेरी चिंता छोड़कर जनता की समस्याओं को हल करने की फिक्र कीजिए। जी मुख्यमंत्री जी। 2 साल से सोच रहे हो कि वैष्णो देवी के दर्शन कराऊं, मगर आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। पिछले कुछ दिनों से आप ज्यादा ही बिजी हो गए। सीएम के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है ना आप? आरती ये नौकरी में एक जरूरत समझकर नहीं कर रहा हूं, इसे मैं अहम फर्ज भी समझता हूं। तुम नहीं जानती मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, उनका चाचा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और गायत्री जी को मैं बड़ी बहन समझता हूं।
सचमुच इस फैमिली के मुझ पे बहुत एहसान है। जानती हूँ, मेरा पति एक अच्छा पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक महान इंसान भी है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो किसी का एहसान नहीं भूलते। आप सही कह रही हैं भाभी। जो इंसान किसी का एहसान नहीं भूलता वो सचमुच सचमुच महान होता है। और जब हमारे अजीत भैया किसी का एहसान नहीं भूलते तो आपका देवर सलीम हिंदुस्तानी कैसे भूल सकता है? वो कैसे? भाभी, मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं, आप दोनों ने अगर मुझे सहारा नहीं दिया होता भजनाथ को, तो आज मैं किसी लायक नहीं होता। ओ सलीम, अब एक शब्द भी और निकाला ना तो ये दिख रहा है, एक पड़ गया ना कान साएं साएं करने लगेगा बच्चे। प्लीज भैया, हाथ मत दिखाइए, बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। सलीम, सुना है तुमने जीवा को रिमांड पर ले लिया? हाँ भैया, लेकिन उसके मुंह पर अभी भी ताला लगा हुआ है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द उससे उगलवा लूंगा कि सीएम साहिबा के कत्ल की साजिश में किसका हाथ है। मुझे तो लगता है गोयल इस केस में किसी आतंकवादी लोगों का हाथ है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं विरोधी दलों में गायत्री देवी का ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है जो उनकी हत्या करवाने की कोशिश करे। खैर, दरअसल मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं गोयल। नमस्ते अंकल। नमस्ते बिटिया। हाय संजय। हाय। भाई गोयल, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रश्मि बिटिया भी यहां आ गई। चलो आज अपने दिल की बात मैं तुमसे खुलकर कह दूं कि आज से हमारी दोस्ती खत्म। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि इस दोस्ती को मैं रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं। देखो गोयल, संजय को रश्मि पसंद है, इसलिए मैं रश्मि बिटिया को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। पापा, मैं सर अनीता के साथ ऊपर अपने रूम में जाती हूँ। हाँ ठीक है बेटे, जाओ। चल। देखो भाई गोयल, इसमें कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम कह सकते हो। पांडे जी, मैं सोच रहा हूं कि अपने दिल की बात तुम्हें बताई दूं। दरअसल मैं चाहता हूं कि हमारी तुम्हारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। ये तो क्या कह रही है अनीता, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, संजय ऐसा लड़का नहीं हो सकता। मेरे यकीन कर रश्मि, तू संजय का असली रूप नहीं जानती, वो एक नंबर का अय्याश आवारा लड़का है, कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मगर तू ये सब कैसे जानती? क्योंकि मैं खुद भी उसकी वासना की शिकार हो चुकी हूँ। अगर तुझे अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे प्रूफ देती हूँ। क्या है ये? आपके दोस्त के बेटे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैं संजय के साथ शादी नहीं करूंगी डैडी। देखो बेटे, आज टेक्निक बहुत एडवांस हो गई है, दो अलग अलग तस्वीरों को लोग ऐसी सफाई से मिक्स करते हैं कि जैसे वो बिल्कुल असली तस्वीरें हों। और बेटे, संजय कोई मामूली लड़का नहीं है, हो सकता है इस लड़की ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए ये तस्वीरें बनवाई हों। डैडी, आप इन तस्वीरों को एक बिजनेसमैन की नजर से नहीं बल्कि एक बाप की नजर से देखने की कोशिश कीजिए। संजय एक बच्चलन इंसान है जिसे मैं अपनी जीवन साथी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। पागलपन की बातें मत करो, बी प्रैक्टिकल। बेटे तुम अपना भविष्य देखो, ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये मेरी जिंदगी का सवाल है और अपना अच्छा बुरा सोचने का मुझे पूरा अधिकार है। रश्मि ठीक ही तो कह रही है, अगर उसे संजय पसंद नहीं है तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? प्लीज, आप अपनी बेटी की वकालत मत कीजिए, इसकी शादी संजय से होगी, ये मेरा आखिरी और अटल फैसला है। मैं किसी कीमत पर भी संजय के साथ शादी नहीं करूंगी, ये मेरा भी आखिरी और अटल फैसला है। अरे, ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं? बस दो मिनट।
आप तैयार हैं? अरे मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ, ये देखो चैपलिन सिंह चार्ली। चलिए चलिए, ये क्या, ये तैयार है? देखो तो मुझे तैयार होने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और तुम मेकअप के लिए 2 घंटे वेस्ट करती हो। भाई तुम्हें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है, तुम तो बगैर मेकअप के ही 17 साल की कुड़ी लगती है। आज क्यों? क्योंकि आज सिर्फ पिंकी का बर्थडे ही नहीं, हमारी शादी की सालगिरह भी है। रन आ मेरे कोल्ट मैम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी। और आप दोनों को भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सली। मामा जी आज कोई गाना वाना हो जाए। सलीम हो जाए हो जाए। मैं घबरू देश पंजाब का, जो खिड़िया फूल गुलाब का, तू वेख मेरी दीवानगी। मैं आशिक तेरे शबाब का, Thank you.
डर था वही हुआ है। देख लिया अपनी जिद का नतीजा, रश्मि घर छोड़कर चली गई है। पता नहीं मेरी बच्ची कहां गई होगी। तो चतुर्वेदी साहब, अपना जीवा कैसा है भाई? अभी तक तो उसने जुबान नहीं खोली, लेकिन सलीम हिंदुस्तानी बड़ा जिद्दी और सरफिरा पुलिस ऑफिसर है, वो उसकी जुबान कभी भी खुलवा सकता है। आप इसकी चिंता मत करना डीसीपी, जीवा हमारा आदमी है, साला मर जाएगा मगर जुबान नहीं खोलेगा। भाई सुना है कि सीबीआई के डायरेक्टर विकास मल्होत्रा की हत्या होगी? मल्होत्रा को छोटे नहीं टपकाया है। मगर तुम्हारा क्या पंगा हो गया था उसके साथ? हमारे खिलाफ कुछ सबूत जमा कर लिया था उसने। भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। भाई क्या प्रॉब्लम है? आप तो जानते ही हैं कि मैं मंत्री जी के साथ काम करता हूं भाई। और मंत्री जी की होने वाले बहू ने मुझे मल्होत्रा का मर्डर करते हुए देख लिया भाई। अगर उस लड़की ने पुलिस को कुछ बता दिया तो लफड़ा हो सकता है। मंत्री को मैं देख लूंगा, लड़की को तू उठा ले जा। ठीक है भाई। मंत्री की होने वाली बहू ने जावेद को पहचान लिया है, समझ गया ना? समझ गया भाऊ। ओह माय गॉड, शॉपिंग सेंटर तो बंद हो गया, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? लग रही है, काश आज मोटा माल मिल जाए। लाइट कहाँ होगी यार? क्या बटन है? वाह राहुल, क्या लक है तेरी यार, मोबाइल फोन, ज्वेलरी, कैलकुलेटर, टेप रिकॉर्डर,
अरे निकल पड़ी यार, निकल पड़ी। वाह यार, क्या पुतला है यार, बनाने वाले का जवाब नहीं। अगर इस पुतले में जान आ जाए ना तो अपन इस पुतले से शादी कर डालेगा। रूप पुतले में जान आ गई। ए मिस्टर, जरा दूर हट के बात करो, मैं कोई पुतला नहीं हूँ। वो तो अपन भी समझ गया था, मगर ये पुतला बनने का नाटक क्यों? वो मैं तुमसे डर गई थी। क्यों? तेरे को पता है अपन की मोहल्ले की लड़की अपन क्या बुलाती है? हीरो, हीरो नंबर वन। अच्छा ये बता, तू इतनी रात के इधर क्या कर रही थी? मैं तो शॉपिंग करने आई थी, बाथरूम में चक्कर आया और वहीं गिर पड़ी। वापस बाहर आई तो शॉपिंग सेंटर बंद हो चुका था। तो अब क्या करेगी? करना क्या है, अब तो सारी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। तेरे घर वाले परेशान होंगे ना? पांडे साहब, मैं रमेश गोयल बोल रहा हूँ। देखिए आधी रात होने को आई, मेरी बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। अरे भाई देख गोयल, मैं हूं ना, तो फिक्र क्यों करता है? देख मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन कर दिया है, पुलिस जल्दी रश्मि को ढूंढ निकालेगी। कुछ पता चला? नहीं, ऐसा मत कहिए, कहीं से भी ढूंढ कर लाइए मेरी बेटी को। प्लीज कल्पना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिल्लाई काहे को? अपुन समझ गया, मगर जो तू सोच रही है ना अपुन वैसा करेगा नहीं, समझी? तू बिंदास बैठ, नो प्रॉब्लम। बंद कमरे में एक लड़का हो और लड़की भी साथ हो। हाँ बंद कमरे में एक लड़का हो और लड़की भी साथ हो। बाहर बरसात हो अंदर सर्द रात हो, फिर क्या हो? लुक छुप है ना, लुक छुप बंद कमरे में एक लड़की हो और लड़का भी साथ हो। बंद कमरे में एक लड़की हो और लड़का भी साथ हो। बाहर बरसात हो फिर क्या? ए लुक छुप आहा, लुक छुप आना, लुक छुप लुक छुप लगी दिल की लगी अब ना बुझाए तुझे ऐसे ना तुम
चाहती ये सिलसिले कुछ तुम जाने कुछ हम जाने मिट जाएंगे फासले और तेरा मेरा साथ हो और हाथों में हाथ हो फिर क्या हो ए लुक छुप लुक छुप आहा लुक छुप है ना लुक छुप लुक छुप आना लुक छुप लुक छुप अभी थोड़ी देर में सुबह होने वाली है अपन तो यहां से फूट रहे हैं अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं और शॉपिंग सेंटर खुलने में पूरे 6 घंटे बाकी हैं मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे प्लीज मुझे भी यहां से निकाल दो ना हां तू बोल तो ठीक रही है तुझे यहां से निकालना तो पड़ेगा वरना चोरी अपन ने की और पकड़ी तू जाएगी एक बात बोलूं बोलो तुम एक अच्छे इंसान हो फिर ये चोरी क्यों करते हो करना पड़ता है मैम साहब दो वक्त की रोटी के लिए करना पड़ता है दो वक्त की रोटी तो तुम मेहनत करके भी कमा सकते हो तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है मैम साहब मगर क्या करें तुम जैसा आज तक समझाने वाला मिला नहीं तुमने कह दिया तो लो आज से चोरी का धंधा बंद अब चले you
उतरो, उतरो नीचे। क्या ये चक्कर? क्या चक्कर? क्या ये चक्कर? कैसा चक्कर? देखो मैडम, मैं एक शरीफ और इज्जतदार चोर हूँ। हर रात दो तीन छोटी मोटी चोरियां करके इज्जत से अपना पेट पालता हूँ। कल तुम्हारे चक्कर में आकर किसी बड़े लफड़े में फंस गया ना, तो अपनी तो बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप उनको कोई लफड़ा नहीं चाहिए। साफ साफ बताओ, कौन था वो गुंडा जो तुम्हें उठाना चाहता था? आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन रमेश गोयल की बेटी हूँ। वो मेरी शादी किसी मिनिस्टर के बेटे के साथ करवाना चाहते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं घर छोड़ के भाग आई हूँ। रही बात इन गुंडों की, तो जावेद को मैंने सीबीआई डायरेक्टर का खून करते हुए देख लिया था, इसलिए ये लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। देखो मेम साहब, एक लड़की का घर से भागना कितना खतरनाक होता है ये तो तुम्हें मालूम पड़ ही गया है। एक काम करो, टैक्सी पकड़ो, घर चली जाओ। ओ माय गॉड, क्या हुआ? मेरा बटवा। सर, ये तो राहुल वर्मा है। तुम इसे जानते हो? हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। छोटा मोटा चोर है सर, एक दो केस में इसे पकड़ा भी था मैंने। पाटिल? मैंने पाटिल उधर। हाँ पाटिल। यस सर। तुम इसकी फोटोग्राफ अखबारों में छपाओ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझ तक भेजो। ओके सर। ये शय और मार्क। एक्सक्यूज मी सर। सर कहो। इंस्पेक्टर कैसे आना हुआ? सर आज हमें एक जावेद कबरा नामक आदमी की लाश मिली है। सुना है वो आपका ही बॉडीगार्ड था। हाँ ठीक सुना आपने, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी हत्या हो गई है। मतलब उस जैसे सज्जन आदमी का कौन दुश्मन हो सकता है? यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर। वो आपका खास आदमी था, भला उसका दुश्मन कौन हो सकता है? ये पता लगाना तुम पुलिस वालों का काम है। आखिर सरकार तुम लोगों को तनख्वाह किस लिए देती है? गुंडों के साथ बैठकर हराम की शराब पीने के लिए? बहुत निकम्मा हो गया है तुम्हारा पुलिस विभाग। वैसे आजकल पुलिस डिपार्टमेंट पर कीचड़ उछालना तो फैशन हो गया है। आम आदमी से लेकर मंत्री तक सबकी नजरों में पुलिस डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, चोर है। और ये राजगद्दी चलाने वाले लोग क्या है, इनकी असलियत भी छुपी नहीं है। जनता इनकी जात और औकात पहचान चुकी है। इंस्पेक्टर ये मत भूलो कि तुम एक मंत्री से बात कर रहे हो। और आप भी ये मत भूलिए सर कि आप इंस्पेक्टर सलीम हिंदुस्तानी से बात कर रहे हैं, गुंडे बदमाशों के साथ शराब पीने वाले और चिकन की टंगड़ी तोड़ने वाले किसी कुत्ते से नहीं। और रही जावेद के कत्ल की बात, उसका कातिल चाहे जो भी हो वो मुझसे बच नहीं सकता। इजाजत। समझा? देख मैंने जो बताया किसी को बोलना मत। बर तुकाराम। जी साहब। तुम्हारी घड़ी में इस समय क्या समय हुआ है? साहब रात के 11 बजे हैं साहब। रात के 11 बजे? पीके मस्त के इलाके में रात के 11 बजे ये शराब की दुकान क्यों खुली है? अब ये तो साहब वहां जाके ही देखना पड़ेगा ना साहब। जाके देखना पड़ेगा, मतलब जाके मालूम पड़ेगा ना साहब। चलो मालूम करते हैं। अबे गधे। मुझे गधा बोलता है? हम काहे को आपको बोलेंगे गधा साहब? तो मुझे किसने गधा कहा? मैंने। अबे इधर उधर क्या देख रहा है, मैं तेरे अंदर हूं। मेरे अंदर? अबे तू मेरे अंदर घुसा कैसे? जब से तू पैदा हुआ मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे अंदर का शैतान हूं। शैतान? अबे लेकिन तू मेरे अंदर घुसा क्यों यार? तेरी आंखें खोलने के लिए। अगर जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो शराब से मोहब्बत कर, नफरत नहीं। मतलब क्या शराब पीने से आदमी बड़ा बन जाता है? हाँ, अगर तुझे हवलदार से कमिश्नर बनना है तो जा शराब पी। अच्छा। तो कराम। ओ साहब बड़ा आदमी बनेगा। अरे चलना, अरे चलना, तुझे भी बड़ा आदमी बनाता हूँ। अरे हवलदार साहब आप? अबे हवलदार साहब नहीं, पूरा नाम बोल। हवलदार पीके मस्त। वो तो मालूम है साहब, आप बगैर पिए ही मस्त रहते हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे? हफ्ता तो अपने पुलिस चौकी में पहले भेज दिया। आज मैं यहाँ हफ्ता वसूली करने नहीं आया हूँ, कमिश्नर बनने आया हूँ, समझा? नहीं नहीं, नहीं तू नहीं समझेगा। एक काम कर, मेरे लिए
पीने का इंतजाम कर। ए छोटू, साहब के लिए इंग्लिश दारू और साथ में मच्छी फ्राई भी लेते आओ। ले मच्छी का। ओ, इसका अपमान नहीं होना चाहिए ना। अरे साहब सोचता क्या है, घटाक से अंदर ले लो। पीता हूं पीता हूं। मूर्ख मानव, ये क्या पाप कर रहा है? मुझे मूर्ख मानव कहा? मैं कहां बोला साहब, आप तो खाम खा मेरे को फिर मार दिए, पता नहीं आज आपको क्या हो गया है। अरे यार मुझे मूर्ख मानव किसने कहा? मैंने। ओ आप फिर आ गए? उधर नहीं इधर। इतनी जल्दी आपका ट्रांसफर भी हो गया? मैं 15 साल से ट्राई कर रहा हूं, कोई सुनता ही नहीं। हाँ बोलिए शैतान जी। मैं शैतान नहीं भगवान हूं। भगवान? इधर भगवान इधर शैतान, शैतान भी अंदर भगवान भी अंदर। ये पी के मस्त का क्या होगा भगवान? बोलिए आपने मुझे क्यों आवाज दी? तुम्हें शराब पीने से रोकने के लिए। अच्छा, लेकिन लेकिन शराब तो बहुत अच्छी चीज होती है, लोग इसे पीकर बड़े बनते हैं। मुझे भी हवलदार से कमिश्नर बनना है। अरे मूर्ख, शराब पीने से मनुष्य बुरा बनता है, राक्षस बनता है। मेरा कर्तव्य था तुझे समझाना, अब तुझे राक्षस ही बनना है तो तेरी इच्छा। नहीं 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 भगवान जी, मैं जीवन भर इंसान ही बना रहना चाहता हूं। ये तो अच्छा हुआ कि आपने इस तरफ आकर सही समय पर मेरी आंखें खोल दी, धन्यवाद। लानत है ऐसी शराब पर जो इंसान को हैवान बना दे। लड़कियां अक्सर मोहब्बत करके घर से भागती हैं, मगर तुम पहली लड़की हो जो अकेली भागी हो। तो किसके साथ भागती? अरे किसी के साथ इश्क करके भागती तो वो तुम्हें कंपनी तो देता। राहुल तुम्हें मेरी वजह से काफी परेशानी हो रही है ना। परेशानी? अरे फंसा दे तुमने मुझे, ना जाने तुम्हारे वजह से मेरा बटवा कहाँ खो गया। अब तो मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है। मेरे पास है। कितने? काफी है। अरे मैंने कुछ नाश्ता वास्ता ऑर्डर किया था, सब कैंसिल कर दो। 3-4 गरम गरम तंदूरी मुर्गी लेके आओ और 2 ठंडे पेप्सी जल्दी लाओ। वो क्या है ना, मैंने कल से रोटी नहीं खाई, इसलिए मैंने कुछ बोटियां मंगा ली है। बस करो जी, बहुत बस एक क्लास बाकी है मेरी जान। वो क्या है ना, जब मैं टेंशन में होता हूँ ना तो मुझे बहुत भूख लगती है। तुम भी खाओ ना, अपना ही माल है। नहीं नहीं मुझे टेंशन में भूख नहीं लगती। राहुल अब क्या हुआ? वो देखो। अरे अरे ये तो लगता है चैन से खाना खाने देंगे। ये काम कर, ऐसे निकल पड़, नहीं तो फंस जाएंगे। चल 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 चल, चल। अरे एक मिनट मिनट, गाड़ी पेट्रोल बिना चलती है क्या? नहीं। तो फिर मेरी गाड़ी पेट्रोल बिना कैसे चलेगी? चल चल निकल, मैं अपना पेट्रोल साथ लेता हूँ। अरे आ जा भाग भाग। अरे यार इस अखबार में आज ही आना था इसको। ओ सर पहचाना आपने, यही तो वो लड़का जो मोटरसाइकिल पे गया, जिसके पीछे लड़की बैठी है, यही तो है चोर। नाम क्या है? पीके मस्त। तुम्हारा नहीं उसका। ओ उसका उसका राहुल सर। तो चलो। ओ जल्दी चलो जल्दी। Thank you.
गोरी वरना पछताएगी, चारों तरफ लगे हैं पैरे देख के घबराएगी, दीवारों से तलवारों से तू ना बच पाएगी। रे मेरी याद में रानू तू भूख के दीवानी, मेरी याद में रानू तू भूख के दीवानी, ए रो रो मर जाएगी। मतलब ये नहीं है कि मैं आपके फैसले के सामने झुक गई हूँ। माँ बाप तो हमेशा अपनी औलाद की खुशी चाहते हैं बेटी। अगर तुझे संजय पसंद नहीं तो हम तेरी शादी संजय से नहीं कराएंगे। बेटे, मुझे एहसास हो गया है तेरी खुशी से बढ़ के हमारे लिए कोई चीज नहीं है दुनिया में। तू जहां चाहेगी ना बेटे वहीं तेरी शादी होगी। हाँ ओ पापा, तुम गिरा का काम नहीं है। अरे तुम लोग मारोगे तुम्हारा ही हाथ टूटेगा। बोलो साले मिल के मारते हो। अरे साले लोहा हूँ लोहा में। शेर के बच्चे को पकड़ना इतना आसान नहीं है। आओ तुम्हें तो सालो। तू साले अपने आप को गुंडा समझता है। लगता है बॉम्बे नंबर 3 में नया आया है, इसीलिए तू अपने को नहीं जानता है। लेकिन इसका जो इंस्पेक्टर है ना सलीम हिंदुस्तानी, वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो अपना क्राइम रिकॉर्ड बहुत चकास है। 5 फुल मर्डर और 3 हाफ मर्डर, लेकिन एक भी सबूत नहीं रखा अभी तक। इसीलिए तो तेरा कानून अपना बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अरे अभी तक की सजा भी नहीं हुई है, क्या कर सकता है? चल कर ले चल। अरे भाई, तब से तो अपू नहीं बोले चले जा रहा है। तू भी तो अपने को तेरे बारे में कुछ बता। तू कौन से लोचे में इधर आया है? तेरा क्या लफड़ा है भाई? अरे तेरा नाम क्या है यार? मेरा नाम जीवा है। हाँ तो फिर जरूर कोई चरस का या कोई छोकरी वोकरी का धंधा होगा तेरा। हाँ, मुख्यमंत्री को टपकाने के लिए उस पर जो हमला हुआ था उसके बारे में सुना ही होगा तुमने। हाँ सुना है। वो हमला मैंने किया था। अरे बाप रे बाप, तू तो क्या चुबार स्तंभ निकला यार। शक्ल से तो बिल्कुल टपोरी दिखता है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि तू तो चीफ मिनिस्टर को टपकाने गया था, उल्टे उसको पेल दिया। बा दोस्त, तेरी अपनी खूब जमेगी। इस बात पर मिला हाथ यार।
साले इतनी रात को किसका फोन है? पीने भी नहीं देते आराम से। हेलो बको भाई, मैं जीवा बोल रहा हूँ। मैं लॉकअप तोड़कर भाग आया हूँ। जीवा, तू बोल रहा है लॉकअप तोड़कर भागा? यार तूने तो अपन का दिल खुश कर दिया। कहां से बोल रहा है? मैं शैतान चौकी के पब्लिक फोन से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, तू वहां मत रुक। तेरे को मालूम नहीं तेरी जान को बहुत खतरा है। तू एक काम कर, एक घंटे बाद रेती बंदर वाले अड्डे पर मिल। ओके? अच्छा भाई चल। क्या हुआ? भाई ये अपन का दोस्त बाबू हटेला, लॉकअप से भागने में इसी ने मेरी मदद की थी। अच्छा, बहुत काम का आदमी है ये बाबू। जीवा। हाँ भाई बोल। अपन मान गया तेरे को, कितना टॉर्चर किया पुलिस लोग, लेकिन तू टूटा नहीं। तेरे को इस वफादारी का इनाम मिलना मांगता है। तू हांगकांग चला जा। लेकिन जीवा, ये मुंबई का पुलिस लोग बहुत चालाक है। तेरे को उधर ही धर लिया तो साला अपुन लोग सब अंदर। तू हांगकांग जाने के बजाय इस दुनिया से चला जा। लेकिन भाई मैं तो चल जीवा, तेरी कल्टी मेरे दोस्त। हैंड्स अप। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो उसे भून दिया जाएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर कुलकर्णी, आपकी मदद के बगैर सीएम साहिबा के कातिलों को पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन होता। एक, अरेस्ट हिम। इट्स माय प्लेजर। तुमने और सलीम ने कमाल करके दिखाया है। आखिर वो शख्स गिरफ्तार हो ही गया जो हमारी मौत चाहता था। दीदी, शंकर तांडिया ने आपकी मौत का हुक्म जरूर दिया था, लेकिन इस साजिश के पीछे हाथ जरूर किसी और का है। क्या मतलब? मैं जानता हूं तांडिया ब्रदर्स का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड के साथ है, मगर उनकी आपके साथ कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, और ना ही वो आपके सीएम होने का कोई फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए ये जरूर कोई तीसरी ताकत है जो आपको खत्म करना चाहती है। कौन हो सकता है वो? इसी बात का तो पता लगाना है, और इस बात का पता हम लगा कर रहेंगे दीदी। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीवा महज एक गोली था, और शंकर तांडिया वो बंदूक जिससे वो गोली चली। लेकिन इस बंदूक को चलाने वाला हाथ कोई और था। अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। तुम्हारी वजह से हमने शहर में दंगा करवाया, तुम्हारी वजह से मैंने खुद उस सीबीआई डायरेक्टर का खून किया, और आज मेरा भाव जब गिरफ्तार हुआ और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, आज तुम्हारी बारी है, और मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। अरे गणेश, अरे तुम समझते क्यों नहीं यार? अरे शंकर तांडिया तुम्हारा भाई है, लेकिन मेरी तो जिंदगी है ना। अरे उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा गणेश? आप बिल्कुल ठीक कह रहे पांडे जी। मैं अभी अभी भाई से जेल में मिलकर आ रहा हूं। उसने कहा है कि अगर दो दिन के अंदर अंदर पांडे जी ने मुझे जेल से रिहा नहीं करवाया तो आपके सारे राज पुलिस को बता देगा। मेरा भाई कैसा कमिश्नर? ठीक है, कहीं पुलिस वालों ने उन पर हाथ तो नहीं उठाया? मारा तो है, लेकिन नहीं, मैं आप कुछ बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। ए मंत्री, तुम्हारी वजह से अभी तक मेरा भाई पुलिस स्टेशन में पिट रहा है। किस काम का है तू मंत्री? तू मंत्री मंत्री कुछ नहीं, खाली संतरी है, संतरी। बहुत बुरा होगा पांडे, अगर मेरे भाई को किसी ने हाथ भी लगाया तो इस शहर में एक जलजला आएगा, जलजला। गणेश, तुम क्षणभर में उत्तेजित हो जाते हो। अरे इतना ज्यादा क्रोध अच्छा नहीं, उचित नहीं। क्रोध में मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, मस्तिष्क काम नहीं करता। ऐसे में आदमी निर्णय नहीं ले पाता, सही निर्णय नहीं ले पाता। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, उसकी राजा से दुश्मनी थी,
अब बलपूर्वक वो राजा को पराजित नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया कि एक तांत्रिक से राजा के प्राण गुड़िया के अंदर कैद करवा लिए और फिर गुड़िया को कष्ट, राजा को कष्ट, गुड़िया को मारा तो राजा मारा। जस्ट अ मिनट मैडम, आपके लिए फोन है। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं कौन बोल रहा हूं, ये जानने की बजाय आप ये पूछिए कि मैं क्या चाहता हूं। क्या चाहते हो तुम? अपने बड़े भाई शंकर तांडिया की रिहाई, जिसे आपकी चहेती पुलिस ने अभी अभी गिरफ्तार किया है। क्या बकते हो तुम? शंकर तांडिया कानून का मुजरिम है और इसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता। कीमत की बात मत कीजिए, कीमत तो मैं आपको ऐसी दे सकता हूं जिससे आप अपना ईमान और धर्म बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? गुस्सा आ गया ना, मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आया था। अभी आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा रेडियो कार्यक्रम सुनाता हूं, जिससे आपका गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा पर आपका बदन पसीने पसीने हो जाएगा। सुनिए। मैं पिंकी बात कर रही हूँ। मम्मी, मुझे बचा लो मम्मी, प्लीज प्लीज मम्मी, लुक बहुत खतरनाक है, प्लीज मम्मी। पिंकी, मुझे बचाओ मम्मी, मम्मी। पिंकी, सुन लिया ना आपने, आपकी चहेती बेटी मेरे कब्जे में है। अगर आप उसकी सलामती चाहती हैं तो मेरे भाई को फौरन छोड़ दीजिए। वैसे कानून भी यही कहता है, भले ही 100 गुनाहगार छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। गायत्री देवी जी सोच लीजिए, मैं आपको सोचने के लिए 6 घंटे की मोहलत देता हूं। हेलो, मैडम मैं तो यही कहूंगा कि गणेश तांडिया की बात मान लेनी चाहिए। मगर पांडे जी। अगर मगर छोड़िए मंत्री महोदय, ये वक्त सोचने का नहीं है। शंकर तांडिया की रिहाई से ज्यादा जरूरी आपके बेटी की जिंदगी है। एक गुनहगार को सजा देने के लिए एक मासूम की जिंदगी कुर्बान मत कीजिए। मेरी बात मानिए मंत्री महोदय। मैं पांडे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैडम, पांडे का फोन किसी वक्त भी आ सकता है, आपसे वो जो भी शर्त रखे फौरन मान जाइए, प्लीज। बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। अजीत की बात से मैं भी सहमत हूं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये जरूर उसी का फोन है। हेलो, आपने क्या फैसला किया गायत्री देवी? शंकर तांडिया का फैसला मैं नहीं, अदालत करेगी। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, तुम्हारी बेटी इस वक्त मेरे कब्जे में है लेकिन उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहोगी तो वो हस्ती खेलती नजर आएगी, वरना हाँ हाँ मार दो, मगर मैं अपने फर्ज से गद्दारी हरगिज नहीं करूंगी। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आप एक मां भी हैं और मां का सबसे बड़ा फर्ज है उसके बच्चे की जिंदगी। ये सिर्फ तुम जैसे गद्दार की निगाह में होगा, लेकिन गायत्री देवी अपनी बच्ची को बचाने के लिए अदालत, कानून और अपने आदर्शों को रुस्वा होते नहीं देख सकती। तो फिर ठीक है, मैं भी कल अपने भाई की रिहाई का इंतजार करूंगा। ठीक 12 बजे जो फ्लाइट हांगकांग जाती है उसमें आप मेरे भाई को भिजवाने का इंतजाम करेंगी।
और उस फ्लाइट के उड़ जाने के बाद आपकी बेटी आपको सही सलामत मिल जाएगी। क्या कह दिया आपने? आप नहीं जानती वो लोग पिंकी को मार डालेंगे, तो मार डाले। मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए देश के गद्दारों से समझौता नहीं करूंगी। समझौता करने की बात कौन कर रहा है मैडम, लेकिन पिंकी को बचाना भी तो हमारा फर्ज है। एक बात सुन लीजिए, मैं पिंकी को भी बचा कर लाऊंगा और तांडिया को भी हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाने दूंगा। ये रही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की फाइल, ये है करीम खान। 10 साल पहले जब ये इटारसी से आया था तो फारस रोड पर कबाब बेचता था। आजकल पूरे रेड लाइट एरिया पर इसी की हुकूमत चलती है। और ये है डैनियल, राजावाड़ी का सबसे बड़ा दादा। और ये है मटका किंग वसद मोरे। भैया ये तीनों के तीनों डेफिनेटली तांडिया ब्रदर्स के साथ मिले हुए हैं। ये तो शहर का बहुत बड़ा बिल्डर है। बड़ा बिल्डर होने के साथ साथ ये एक इज्जतदार आदमी भी है। लेकिन भैया सिर्फ 3 साल पहले ये तांडिया ब्रदर्स की एक कंपनी में एक मामूली क्लर्क था। कहाँ है पिंकी? मुझे नहीं मालूम, मुझे नीचे मत छोड़ना, मैं मर जाऊंगा। नहीं बताएगा तो भी छोड़ दूंगा। बताता हूँ, पिंकी को गणेश तांडिया ने मुकेश मिल में छुपा कर रखे है, वही मिलेंगे। मुझे नीचे मत छोड़ना। आजा पिंकी।
फास्ट। वेंकट तुम इधर जाओ और चारों तरफ फैल जाओ। फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा हुआ आप आ गए। उन लोगों ने पिंकी को यहां नीचे छुपा रखा था। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यह अपहरण आप ही ने किया हो। कैसा मजाक कर रहे हैं आप? भला मैं अपनी भांजी का अगवा क्यों करूंगा? लालची इंसान का रिश्ता सिर्फ दौलत से होता है और ऐसे रिश्ते उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो ऑफिसर? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने इस लड़की को अगवा क्यों किया, क्योंकि तुम इसका कत्ल कर देना चाहते हो। पिंकी, पिंकी, पिंकी बेटे, पिंकी, 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 पिंकी। मिस्टर जीत सिंह, मुर्दे बोला नहीं करते। यू बास्टर्ड, मैं पिंकी की क्या जवाब दूंगा? क्या दूंगा? पिंकी को, और हम साथ में। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारी बच्ची को मार दिया। फादर पारा, पारा कुत्ते, पारा साले। नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा। इससे आगे और भी कुछ होना बाकी है। आपकी ईमानदारी और वफादारी के बदले में इन पुलिस वालों ने अच्छा इनाम दिया है आपको। भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा भैया निर्दोष है। कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आरती, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की है वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते, और दीदी इस बात को कभी नहीं मानेगी कि पिंकी का खून मैंने किया है। भी यही सोच रही हैं कि पिंकी का अगवा मैंने करवाया है और उसका खून भी मैंने किया है? मुझे फंसाने के लिए डीसीपी चतुर्वेदी ने भयानक खेल हमारे साथ खेला है। मैं तो पिंकी को तानिया के खुफिया अड्डे से बचा कर ला रहा था कि अचानक डीसीपी सामने आ गया और उसने हमारी पिंकी का खून कर दिया। कहानी तो अच्छी बनाई है तुमने,
मगर पुलिस ने तुम्हारे घर से जो 25 लाख रुपए बरामद किए वो कहां से आए तुम्हारे पास? ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता चला जहां गणेश डांडिया ने पिंकी को छुपा के रखा था? और अगर गणेश डांडिया की खुफिया जगह के बारे में तुम्हें पता चल भी गया था तो तुमने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी? पिंकी को गणेश डांडिया के चंगुल से छुड़ाना तुम्हारा नहीं पुलिस का काम था। जब तक पुलिस फोर्स वहां पहुंचती हो सकता है वो पिंकी को खत्म कर देते। भगवान के लिए मुझे गलत मत समझो दीदी। मत कहना दीदी मुझे। तुम्हारे मेरे बीच जो भाई बहन का रिश्ता था वो पिंकी की मौत के साथ खत्म हो गया। योर ऑनर, मुल्जिम अजीत सिंह एक खतरनाक इंसान है। एक तरफ ये सीएम साहिबा का वफादार बॉडीगार्ड बनकर उनसे ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हीं की बेटी को अगवा किया। ये झूठ है, सरासर झूठ है योर ऑनर। ये सच है। क्या पिंकी को तुमने अगवा नहीं किया? क्या पिंकी को तुमने हत्या नहीं की? वो नन्ही सी जान, वो मासूम बच्ची मेरी बेटी की तरह थी। मैं उसका खून कैसे कर सकता हूं जज साहब? योर ऑनर, ये रही 25 लाख रुपए की वो रकम जो अजीत सिंह के घर से बरामद हुई थी। योर ऑनर, इतनी बड़ी रकम देखकर किसी भी इंसान की नीयत खराब हो सकती है। अजीत सिंह ने लालच में आकर अपने पेशे और अपने देश से गद्दारी की है। योर ऑनर, यह है वो रिवॉल्वर जिससे गोली चलाई गई और यह है वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट जिसमें मुलजिम की उंगलियों को निशान पाए गए। योर ऑनर, अब इस मुकदमे का पहला गवाह पेश करना चाहता हूं जिसका नाम है राहुल। माय बाप, अपन जो कुछ भी कहेगा ना टोटल सच कहेगा, उसमें एक पैसे का भी झूठ नहीं होगा। मिस्टर राहुल, आप अजीत सिंह को कब से जानते हैं? वकील साहब, अपन उस मनुष्य घड़ी को कोस रहे हैं जब अजीत सिंह जैसे क्रिमिनल के साथ अपन का मुलाकात हुआ। इस आदमी ने अपन को 10,000 का लालच दिया और कहा कि एक नन्ही सी बच्ची को उठाकर इसके पास पहुंचाना है। भूख और बेकारी ने मेरा बुरा भला सोचने की ताकत छीन ली और अपन ने फौरन हाँ कर दी और उस बच्ची को, क्या नाम था, हाँ पिंकी, इसकी बतावी जगह पर फौरन पहुंचा दिया। थैंक यू मिस्टर राहुल, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू माय बाप। योर ऑनर, अब इस केस के एक अहम गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसका नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर चतुर्वेदी। इजाजत है। मिस्टर चतुर्वेदी, क्या आपने अपनी आंखों से अजीत सिंह को पिंकी का कत्ल करते हुए देखा था? यस सर ऑनर, जब मैं मौके वारदात पर पहुंचा तो मैंने अजीत सिंह के हाथों में रिवॉल्वर देखा और सामने खड़ी मासूम पिंकी चिल्ला रही थी, अंकल मुझे मत मारो, मुझे मत मारो अंकल, मुझे मेरी मां के पास ले चलो। लेकिन इस सालिम आदमी के दिल में जरा भी रहम नहीं आया योर ऑनर। इससे पहले कि मैं इस पर हमला करूं इसने पिंकी पर गोली चला दी। पिंकी का कातिल तू है ऑर्डर 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 आई से स्टॉप इट। देखा आपने, इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए? दिस इज कंटेंट ऑफ द कोर्ट। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अजीत सिंह वल्द बलजीत सिंह ने मासूम पिंकी का अगवा किया और उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसलिए अदालत मुलजिम अजीत सिंह वल्द बलजीत सिंह को ताजिरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। चाय ले लीजिए आपा। आप
आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आज से आप यहीं रहेंगी हमारे पास, आपको यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कैसा अनर्थ है, मुझे तो उनकी चिंता है। उन्हें उस पाप की सजा मिल रही है जो उन्होंने किया ही नहीं। भाभी आप हिम्मत से काम लीजिए। भाभी भैया को जो ये उम्र कैद की सजा मिली है ये कानून की आखिरी मंजिल नहीं है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये केस रीओपन करवाऊंगा और अपने भाई को निर्दोष साबित करूंगा। आप बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं कितनी बार कह चुका हूं अदालत में मैंने झूठ नहीं बोला था। तुमने अदालत में भी झूठा बयान दिया और अब भी झूठ बोल रहे हो। देखो राहुल, हालांकि तुम पर जावेद के कत्ल का इल्जाम है लेकिन शक्लो सूरत से तुम पेशेवर मुजरिम नहीं दिखते। मुझे पूरा यकीन है या तो किसी के दबाव में आकर तुमने यह झूठा बयान दिया है या फिर तुम किसी गहरी साजिश में फंस गए हो। मुझे सच बात बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आप फिजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ना ही मुझे किसी का डर है और ना ही किसी के दबाव में आकर मैंने सब कुछ किया है। जो सच था वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, अगर तुम सच्चाई से पर्दा नहीं उठाना चाहते तो वैसे मैं आज तुम्हें एक बुरी खबर देने आया था। वो जो लड़की थी ना तुम्हारे साथ, एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसकी लाश इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुर्दाघर में पड़ी है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अगर तुम उसके माता पिता के बारे में कुछ जानते हो तो बता दो, वरना हमारा डिपार्टमेंट उसका अंतिम संस्कार लावारिस लाश। नहीं साहब, वो लावारिस नहीं है। मैं बताता हूं आपको उसके बारे में। मेरे ख्याल से आप मिस रश्मि गोयल हैं। यस। मेरा नाम सलीम हिंदुस्तानी है, इंस्पेक्टर सलीम हिंदुस्तानी। मिस्टर राहुल वर्मा के बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी थी। राहुल कहाँ है? राहुल वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। रश्मि तुम? ये जानते हुए कि तुम एक चोर हो मैंने तुमसे प्यार किया, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी। लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया तुमने मुझे। ये क्या बात कर रही हो रश्मि, अपू ने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया? क्या चीफ मिनिस्टर की लड़की का अगवा तुमने नहीं करवाया? तुम इतने गिर गए राहुल कि सिर्फ 10,000 रुपयों के लिए तुमने एक मासूम लड़की को किडनैप करवा दिया। देखा जाए तो उस बच्ची के हत्यारे तुम हो, तुम्हारे वजह से उस बच्ची की जान गई। तुम इंसान कहलाने के काबिल नहीं हो, हत्यारे हो तुम। नहीं रश्मि, भगवान के लिए अपुन को इतनी बड़ी गाली मत दो। चीफ मिनिस्टर की बेटी का अगवा अपुन ने नहीं किया था। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है राहुल, अदालत में तुम अपना जुर्म कबूल कर चुके हो। झूठ तो अपुन ने अदालत में बोला था, सच मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि मेरी तरफ से तुम्हारा दिल साफ हो जाए। मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं जो इस वक्त पागलखाने में है। तुम्हें याद है उस दिन तुम्हें घर छोड़ने के बाद मैं अपनी मां से मिलने मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा। मां, मां, तू कौन है बेटा? मैंने तुझे नहीं पहचाना। अपने मोहल्ले का कोई लड़का होगा इसलिए तू मुझे यहां मिलने आया है ना? मेरे पति अस्पताल में भर्ती है, ये लोग मुझे यहां से जाने नहीं देते। तू जरा अस्पताल में जाकर उनकी तबीयत के बारे में पता लगा लेना बेटा, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तू चाहेगा ना बेटा? हाँ
मुझे, छोड़ दो, मुझे, बचाओ। बाहर निकलकर देखा कि कुछ लोग एक बच्ची का अगवा कर रहे थे। उसे बचाने के लिए मैं उन गुंडों के साथ भिड़ गया। नतीजन उन्होंने मेरा भी अगवा कर लिया। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो बच्ची चीफ मिनिस्टर की बेटी थी। अरे अपुन को क्यों उठा के लाया रे? अपुन का क्या कसूर है? चिंता मत करो बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे। इस वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए यह जान लेना अच्छा है कि तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है, और अगर तुम चाहो तो तुम्हें जीवन दान मिल सकता है। मुझे मुझे करना क्या होगा? जिस तरह मेरे काम के लिए मुझे तुम्हारी तलाश है, उसी तरह जावेद के कत्ल के सिलसिले में पुलिस को तुम्हारी तलाश है। अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम पागल खाने में पड़ी तुम्हारी मां को तुमसे छीन कर जिंदगी से आजाद कर देंगे। नहीं नहीं, आप अपुन की मां को कुछ मत कीजिए। आप जो कहेंगे अपुन करने को तैयार है। हम करेगा, आप जो कहेंगे हम करेगा। यह हुई ना अकलमंदी की बात बच्चे। ये सच है रश्मि कि अदालत में अपुन ने अजीत सिंह के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, पर अपुन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अपुन ने जो कुछ भी किया अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। राहुल, राहुल मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं और मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी भी है। तो जो कुछ तुमने किया अपनी मां के लिए किया, और जो कुछ मैं कर रहा हूं अपने भाई के लिए कर रहा हूं। अगर तुम चाहते हो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो कैसे इंस्पेक्टर? राहुल अगर अपना बयान बदलने के लिए तैयार हो जाता है तो कबरा जावेद मर्डर केस में मैं इसे बेगुनाह साबित कर सकता हूं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने अपना बयान बदला तो वो लोग मेरी मां को मार डालेंगे। तुम्हारी मां की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं उन्हें मेंटल असाइलम से निकालकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा। मां की चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से तुम्हें इंस्पेक्टर सलीम की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं अपना बयान बदलने के लिए तैयार हूं। अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा शंकर। वो कमीना सलीम हिंदुस्तानी तुम्हारे मोहरे को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है। और अब राहुल भी आपके दबाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि सलीम हिंदुस्तानी उसकी मां को पागलखाने से निकलवाकर किसी खुफिया जगह पर शिफ्ट करने वाला है। और अगर ये सलीम हिंदुस्तानी ये केस दोबारा खुलवाने में कामयाब हो गया ना, तो हम सबके लिए फांसी का फंदा तैयार समझो। लकड़ी के वार से तलवार नहीं कटती पांडे जी, लकड़ी खुद कटकर दो टुकड़े हो जाती है। तो फिर उस सलीम हिंदुस्तानी की औकात ही क्या है? समझो आज से उसकी जिंदगी की फाइल बंद। भाभी देखिए, भाभी ये हमेशा गुमसुम रहना अच्छी बात नहीं है। कहते हैं जब गम का अंधेरा बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए खुशी बहुत जल्द दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। भाभी आपको एक खुशखबरी दूं, राहुल अपना बयान बदलने के लिए तैयार हो गया है। सच? हाँ भाभी। इसका मतलब है वो जल्दी छूट जाएंगे? हाँ भाभी, आप इत्मीनान रखिए, भैया बहुत जल्द आपके पास आ जाएंगे। अरे भाई शाहीन कहाँ हो? जरा भाभी और मेरे लिए कुछ गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। क्या भाभी? वो शायद नमाज पढ़ रही है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ओके भाभी, चीनी कम। Thank you.
अभी अभी सलीम अभी अभी नहीं भाभी ओके सलीम भाभी 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 नहीं लेगा या चल भैया। देखिए भैया, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं भैया, प्लीज। सलीम, आज मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। चल भैया, भैया रुक जाइए आप, कोई गोली नहीं चलाएगा। तुम क्या कर रहे हो अजीत सिंह? तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे मारकर बचाओगे? कानून एक दिन तुम्हें भी फांसी पर चढ़ा देगा अजीत सिंह। कौन सा कानून जिसे हाथ में लेकर तुम लोग खिलवाड़ करते हो? कौन सी फांसी? चतुर्वेदी, जरा मेरी आंखों में गौर से देखो, तुम्हें डर नजर आ रहा है? अपनी मौत नजर आ रही है? ये आंखें कातिल की हैं, कातिल। मुझे माफ कर दो जीत सिंह, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पांव पड़ता हूं। उठ, ऊपर उठ। कातिल भी मौत से डरते हैं। मैं अपने माथे से बच्ची के कत्ल का वो कलंक मिटा देना चाहता हूं जो तुम्हारी वजह से लगा है। इसलिए तुम्हें सलीम के साथ जाकर सीएम साहिबा के सामने अपने जुर्म का इकबाल करना होगा। ठीक है जी सिंह, मैं अपने जुर्म का इकबाल कर लूंगा, मैं अपने जुर्म का इकबाल कर लूंगा। जी सिंह, मुझे माफ कर दो, मैं जाता हूं। नहीं, इस तरह नहीं। ये क्या? इसे अपनी कमर के साथ बांध लो। ये क्या है जी सिंह? ये टाइम बम है और तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। नहीं अजीत सिंह, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बांध लो इसे। बांधो अजीत सिंह, बांधो अजीत सिंह। अब तुमने जरा भी मक्कारी की तो ये रिमोट कंट्रोल दबा दूंगा और तुम्हारे जिस्म के परख जी उड़ जाएंगे। ये सब क्या है सलीम? ये पुलिस अफसर नहीं है मैडम, ये कानून का दलाल है, भोला पांडे और तांडिया ब्रदर्स का पालतू कुत्ता। ये आपसे आज कुछ कहना चाहता है। जो कुछ भी आज तुमने मुझसे कहा है वो तुम मैडम के सामने बोलो। आपकी बेटी की हत्या मैंने की थी मैडम,
और अजीत सिंह निर्दोष है। आपकी बेटी को शंकर तांड्या ने अगवा किया था मैडम, और अजीत सिंह को फंसाने के लिए उसके घर पर 25 लाख रुपए भी शंकर तांड्या ने रखवाए थे। यह सच है मैडम कि मैंने आपकी बेटी की हत्या की है, लेकिन इस घिनौने जुर्म में मैं अकेला शरीक नहीं हूं। यह जुर्म मैंने तांड्या ब्रदर्स और भोला पांडे के कहने पर किया था। हां मैडम, आप यह नहीं पूछेंगी कि मैं इसे यहां पर क्यों लाया? क्योंकि मेरा भाई चाहता था जब उसके माथे पर लगा हुआ कलंक हटे तो सबसे पहले उसके करीबी लोग जाने। इजाजत। तुमने अजीत सिंह को समझने में भूल की थी बेटी। मुझे विश्वास था कि शहीद बलजीत सिंह का खून कभी खतरनाक नहीं हो सकता। ठहरिए मिस्टर चतुर्वेदी, यह पुलिस जीप ईमानदार पुलिस अफसरों के लिए है, आप जैसे बेईमान और कातिल के लिए नहीं। इसलिए मैं सोच रहा था क्यों नहीं आपकी यहां से पुलिस स्टेशन तक पदयात्रा कराई जाए। यह तुम ठीक नहीं कर रहे इंस्पेक्टर सलीम। किसी पुलिस ऑफिसर को पुलिस स्टेशन तक पैदल चला के लेके जाना, ये किस कानून में लिखा है? कानून को वैश्या बनाकर गुंडों के बिस्तर पर सुलाने वाला दलाल आज खुद कानून की बात कर रहा है। यहां से पुलिस स्टेशन तो मैं तुझे पैदल ही लेके जाऊंगा, ताकि लोग तेरे इस घिनौने चेहरे को करीब से देखकर नसीहत ले सके। चल। सीएम के सामने तुम्हारा अकबाल जुर्म मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए जरूरी था। अब सजा तुझे अदालत से मिले या मुझसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं अजीत सिंह, नहीं नहीं अजीत सिंह, नहीं भैया अजीत सिंह, नहीं भैया, नहीं अजीत सिंह, नहीं अजीत सिंह, नहीं। नमस्ते मैडम, कहिए किस लिए बुलाया था आपने? ये बताने के लिए कि जुर्म का सर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा कानून के कदमों में ही होता है। अगर आप डीएसपी चतुर्वेदी के बयान को सच समझ रही हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आपकी बेटी की हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है। अब तुम्हारे चेहरे से पर्दा हट गया है, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। अगर मुझे पता होता कि कुर्सी की भूख इंसान को राक्षस बना देती है, तो मैं खुद इस्तीफा देकर तुम्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देती। तुम इतने गिर गए कि मुझे कुर्सी से हटाने के लिए तुमने सांप्रदायिक दंगा करवाया। देखा जाए तो उस दंगे में जो हजारों बेगुनाह मारे गए, उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुम जैसे लोगों ने राजनीति को व्यापार बना दिया है। अपने स्वार्थ के लिए तुम जैसे लोग इस देश को भी बेच सकते हैं। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करती हूं। कमिश्नर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। यस मैडम। हाथी के पैर जब कीचड़ में धस जाते ना गायत्री देवी, तो बंदर भी उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। ये मत समझना कि मुझे गिरफ्तार करके तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है। और एक बात याद रखना, कल तक भोला पांडे तुम्हारा छुपा हुआ दुश्मन था, आज दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मैं जो करूंगा ना
तुम सोच भी नहीं पाओगे। चलिए। मुकम्मल सबूत और गवाही ना होने की वजह से ये अदालत भोला पांडे को हिदायत देते हुए उनकी जमानत मंजूर करती है और उन्हें आगाह करती है कि अपनी पोजीशन और रुतबे का कोई गैर कानूनी फायदा ना उठाए। भोला पांडे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भोला पांडे। रश्मि, ये बात तो साबित होगी कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। हाँ रश्मि, तुम्हारे जरा से कहने पर तुम्हारे पापा ने मेरी जमानत करवा दी, वरना मैं जेल की सलाखों के पीछे सरता रहता। ऐसे बुरे वक्त में एक सच्चा दोस्त ही तो काम आता है ना। तो मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ? ऑफ कोर्स। अब देखो ना, जिससे मैं प्यार करता हूँ और जो मेरे लिए जान देने की बात करती है, वो मुझसे अब तक एक बार भी जेल में मिलने नहीं आई। और एक मैं हूँ जो आज तक उसके प्यार में पागल हूँ। और मुझसे खिलवाड़ करते रहे, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाए रखी। You cheat. I hate you. अरे अरे मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ओ मेरी मैडम, मेरी चमक, चलो मेरी प्यार, मेरी जिंदगी, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। You naughty. अरे चमक चलो। फिर भी थोड़ा थोड़ा कर लो जी, सानू प्यार हो गया तुमसे चम्मच छल्लो जी।
हेलो जी। अरे जल्दी जल्दी काटना, ग्राहक लोग आता होगा अभी। साहेब काय रे, तेरा सेठ कौन है? मैं ही सेठ है साहब, बोलिए क्या बात है? ये दुकान काय को इधर लगाया? लाइसेंस है तेरे पास? अरे साहब लाइसेंस का क्या, आप लोग माई बाप हैं तो। गब्बास जास्ती बात ना को, हाँ चल तेरे को पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अरे नहीं साहब ये पुलिस स्टेशन चलकर क्या होगा साहब, इधर ही मैं कुछ ले दे के पटा लो ना साहब। चाहे बाप को रिश्वत खो समझता है। यानी कि तू मुझे रिश्वत देगा? अरे नहीं नहीं साहब, मैं वो मुझे भ्रष्ट करेगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई? तुझे मालूम है रिश्वत की एक पाई भी मेरे लिए हराम है? इसीलिए तो अभी तक भिखारी है तू। मैं भिखारी हूँ? अपुन का आपको भिखारी बोला साहब। तू बोला? अरे नहीं साहब, मेरी इतने औकात कहाँ कि मैं आपको भिखारी बोलूं। अरे यार तो मुझे भिखारी किसने कहा? मैंने कहा। ओ शैतान जी आप बोलिए। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, ये जो बकरा फंसा है इसे छोड़ मत, इसके साथ तोड़ पानी कर ले। ओ थैंक यू शैतान जी। तू मुझे रिश्वत दे रहा था ना? नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं। दे 500। साहब 500 थोड़ा ज्यादा है, कुछ 20-25% डिस्काउंट हो जाता। 700 तो... दे 700। नहीं नहीं साहब, मैं दे रहा हूँ ना 500, ये लीजिए। साहब आप चौप, ये रिश्वत चौप। चल 1, 2, 3, 4, 5 ये शैतान का रास्ता बिल्कुल सही है, 2 मिनट में 500 रुपए का तोड़पानी हो गया। अरे मूर्ख, रिश्वत लेना महापाप है। अभी अभी मैं कुछ नहीं बोला साहब आपको, आज रिश्वत पर। ये ठीक कह रहा है, ये इसने नहीं मैंने कहा। ओ आप हैं भगवान जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी खुश रहूं? अरे मूर्ख, बेईमानी का एक भी दाना तेरे अंदर चला गया तो तेरे खून में मिलावट हो जाएगी। हा? फिर आने वाली तेरी 7 पुश्तें बेईमान पैदा होंगी। नहीं भगवान जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी आने वाली औलादें उनकी औलादें बेईमान हो। मैं अभी जाकर ये पैसा उसको वापस कर देता हूँ। अरे अरे साहब, ये पैसा अभी आप उस ठेले वाला को वापस करेगा? हाँ साहब, ये पैसा आप मेरे को दे दो ना। तेरे को दे दो। हाँ साहब। हाँ ये पकड़। लाओ। तेरा जेब किधर? एक नहीं साहब, ये जेब नहीं मांगता पैसा। माँ ये मेरी दोस्त रश्मि। नमस्ते माँ जी। ये आपसे मिलना चाहती थी इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे तो अपने पति की चिंता है बेटे, पता नहीं वो बचेंगे या नहीं। तू अस्पताल गया था बेटे? हाँ माँ मैं अस्पताल गया था। तुम्हारे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक है? ठीक है। पिछले 18 साल से इनमें कोई बदलाव नहीं आया, ये एक जिंदा लाश की तरह जी रही हैं। इन्हें आज भी अपने पति के ठीक हो जाने का इंतजार है। मगर तुम्हारे पापा को हुआ क्या था? उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ याद नहीं। लोगों ने बताया कि मेरे पिता मजदूर लीडर श्रीकांत पाटिल के हत्या के चश्मदीद गवाह बन गए थे, इसीलिए उनकी भी हत्या कर दी गई। तुम्हारे पिताजी के साथ जो भी हुआ वो जान के बहुत दुख हुआ मुझे। सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है, लेकिन बहादुर इंसान वो होता है जो हर गम का मुकाबला हंसकर करे। चाय पीजिए और मैं अभी आपको हंसाने का इंतजाम करता हूँ। टेलीविजन पर एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी सीरियल आ रही है, ये लीजिए आप देखिए। ये आरोप बेबुनियाद है। ओ ये लो, यहाँ तो इस चोर का इंटरव्यू चल रहा है। ये टेलीविजन वालों को भी और कोई मिलता ही नहीं। खून पीने वाली डायन निकली, सांप्रदायिक दंगे उससे ने मेरे पति का, इसी ने खून किया है उनका। माँ किया है उनका। माँ
माँ मैं राहुल, माँ सब कुछ मेरी राज नहीं, माँ मैं तुम्हारा बेटा राहुल, माँ राहुल राहुल माँ राहुल, इसने खून किया है तुम्हारे पिता का, इसने खून किया है उनका, इसने ही खून किया। देख मैं तो भगवान की बात मानता हूँ, दारू नहीं पीता, रिश्वत नहीं लेता, जुआ भी नहीं खेलता। अबे मुंडी क्या हिलाता है, तू भी सुधर जा, दारू छोड़, समझा, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, चांद मुबारक हो शाहीन। आपको भी मुबारक हो। इस बार रमजान कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अच्छा आप तुम फटाफट तैयार हो जाओ, कल ईद है, कुछ शॉपिंग तो कर लें। नहीं सलीम, इस बार हम कोई खरीदारी नहीं करेंगे, मुझे भारतीय आपा की याद आ रही है। तुम्हें याद है पिछली चांद रात को वो भी हमारे साथ शॉपिंग करने गई थी? मुझे भी उनकी याद आ रही है शाहीन, वो हमारे बीच नहीं तो क्या हुआ, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहीं। हेलो सर, मैं हवलदार पीके मस्त बोल रहा हूं। हाँ बोलो मस्त, क्या बात है? सर मैंने अभी अभी गणेश टांडिया को भोला पांडे के साथ मुकेश मिल की तरफ जाते हुए देखा है सर, मुझे मामला कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। दैट्स गुड मस्त, दैट्स वेरी वेरी गुड। मैं भी उस एरिया के सभी सड़कों की नाकाबंदी करा देता हूं, तुम वही ठहरो मैं भी आता हूं। शाहीन मुझे जाना है लेकिन जल्दी लौट आऊंगा। निर्णय ले चुका हूं गणेश, इस बार गायत्री देवी को शहीद होने से भगवान भी नहीं बचा सकता, यह उनका अंगरक्षक है जगबीर सिंह, लेकिन अब हमारा आदमी है। जगबीर कल का सारा कार्यक्रम तुम्हें समझा दिया गया है, अब तुम जा सकते हो। ओके सर। और यह है मंगेश नायक, मैंने इसे पूना से बुलवाया है, आज तक 5 कत्ल बड़ी सफलता के साथ कर चुका है। मंगेश कल सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री पत्रकारों से मिलने वाली है, तुम उनके घर में पत्रकार बनकर प्रवेश करोगे। जैसे ही मुख्यमंत्री पत्रकारों से मिलने आएगी जगबीर उन्हें गोली मार देगा, और जैसे जगबीर उन्हें गोली मारकर भागने लगे तुम उसे गोली मार देना। वादे के अनुसार 5 लाख रुपए तुम्हें मिल चुका है, बाकी के 5 लाख काम होने के बाद मिल जाएगा, अब तुम जा सकते हो। ओके सर। और गणेश तुम मुख्यमंत्री के निवास स्थान के बाहर रहोगे, जैसे ही जगबीर को मारकर मंगेश नायक बाहर आने लगे तुम उसे गोली मार देना। Thank you.
चलो। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله सलीम, ये क्या हुआ सलीम? भैया किसने गोली मारी तुझे? भैया कौन था वो? भैया भैया गायत्री देवी की जिंदगी खतरे में है। क्या कह रहा है? भोला पांडे और गणेश तांडिया ने उनको मारने का प्लान बनाया है। क्या कह रहा तू? क्या भैया उनकी जान खतरे में है। आज आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग गायत्री जी को मार देंगे। सलीम 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 बचाओ उनको, बचाओ भैया। भैया मैं तो जा रहा हूँ। अरे नहीं सलीम नहीं, ऐसा मत कहो। भैया सलीम भैया आज आज ईद की मुबारक सुबह है। शाहिद घर पर इंतजार कर रही है, उसे कहिएगा मैं लौट नहीं पाया। सलीम खुदा हाफिज़। ईद मुबारक हो शाहिन भाभी। आपको भी ईद बहुत मुबारक हो। भाभी सलीम भाई कहाँ है? मस्जिद में भी नजर नहीं आए। अभी आते ही होंगे। लगता है वो आ गए। उठो सलीम, उठो।
अजीत भैया, मैं ही नहीं जानती कैसे भी मेरे सलीम को वापस ला दीजिए। मैं इनके बिना नहीं जी सकती। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सलीम। शाहीन, हौसला रखो शाहीन। मैं कैसे जीऊंगी? हौसला रखो शाहीन, हौसला रखो। हमारा सलीम शहीद हुआ है और शहादत पर आंसू नहीं बहाते पगली, आंसू नहीं बहाते।